दोस्तों आज का शूट हमारे सुकाबाद के निवास मैदान में था, जहाँ पे हम आशुतोष राणा जी से भी मिले और साथ में हमने बहुत ही स्वादिष्ट हलवा पराठा भी खाया। चलिए दोस्तों अब इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों अपनी बस में चलते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं बस के अंदर और आप सभी को दिखाता हूँ हम लोगों ने किस तरीके से एक दूसरे के साथ मस्ती करी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों शूट पर हम लोग जब जाते हैं। और दोस्तों हम लोग आपस में कॉमेडी भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पाएंगे। अब हेलो हेलो करो अब जाओ हेलो। और दोस्तों ये है मेरी सपोर्टिंग टीम जो मेरे को बराबर सपोर्ट करती है। इसको देखो बकरे की पूंछ की तरह दिखता है। और एक को कहा है मेरा एक ये चाय में मैंने जीरा डाल के पिलाया। और एक ये रहा राजा हिंदुस्तानी ये बेटा बहुत का था। और एक बोला और थोड़े कर रहा है। और इन सब का दोस्तों इसी तरीके से हंसी मजाक चलता रहा और मैं आ गया अपनी सीट पर। और दोस्तों कुछ ही देर में हम लोग पहुंच गए थे जहाँ पे हमारा शूट चालू था। दोस्तों आपको जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि एक जो हमारा शूट आज जो लगा हुआ है प्रॉपर मेले में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों सब कुछ है इस मेले में, जैसे झूले हैं, राइड हैं, बच्चों की घूमने वाली गाड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ मैंने शोएब को बताई। बात हमने सोचा कि हम लोग बाद में झूला भी झूलेंगे इसमें। और दोस्तों आज के शूट में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और घूमते घूमते ये दो हमारे आर्टिस्ट लोग का लोग मेले का खूब मज़ा उठा रहे हैं। मज़ा तो दोस्तों उठाएंगे ही सारे लोग, क्योंकि हम आए ही ऐसी जगह हैं शूट पे कि बिना मज़ा उठाए जा कैसे। और दोस्तों इसी बीच आ जाते हैं आशुतोष राणा जी, जिन्हें डायरेक्टर सर बता रहे हैं कि आज के सीन में होना क्या है। और दोस्तों आप सीन देख के समझ ही सकते हैं कि आशुतोष राणा जी का क्या सीन था। दोस्तों अब बारी आ जाती मेरी सीन के, जिसमें मैं एक विलन बनाऊँ, साथ में मेरे शोएब और सेवम भी हैं जो विलन बने, छोटा छोटा हमारा रोल है। चलिए दोस्तों आप आगे चलते हैं हम कैनोपी के अंदर रेडी होने के लिए। और दोस्तों जैसे ही अंदर आया देखा यहाँ तो ऑलरेडी भीड़ लगी हुई है क्योंकि पुलिस वाले कुछ रेडी हो रहे हैं, पर दोस्तों हम भी रेडी हो जाते हैं और आ जाते हैं बाहर। और दोस्तों चेंज के बाद ये है मेरा लुक, आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल गाँव वाला जैसे विलन होता है वैसा लग रहा हूँ। और दोस्तों हम लगे थे चेंजिंग में, जब तक मेरे आर्टिस्ट लोग सभी लगे हैं आइसक्रीम खाने में। कैसा टेस्ट है इसका? बहुत गंदा टेस्ट है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? फ्रीगी खा रहे हैं तो वाकई में वो गंदा लग रहा है। सीधी है मेरे को करनी नहीं है ये, देखो फिर भी ये सेल्फी ले रहे हैं। और दोस्तों ये लोग शोएब भाई अपने सीन की प्रैक्टिस करते हुए कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और ये लो दोस्तों मैं आ जाता हूँ दूसरी तरफ जहाँ पे दूसरा सीन लग रहा था। काफी ज्यादा ठंड हो रही थी इस वजह से मैं बिल्कुल ठाकुर जी की तरह तैयार हो गया था सोलवल डाल के। आप सभी ने दोस्तों देखा होगा बहुत सी मूवीज में कि मेले का सीन कैसे लिया जाता है, कि इतनी भीड़ दिखती है। दोस्तों वो कोई ज्यादा भीड़ नहीं होती है, वो नॉर्मली हम जैसे दूसरे जूनियर आर्टिस्ट होते हैं जो इस सीन को बनाने में अपना सहयोग देते हैं। और दोस्तों आप सभी में से कोई भी आर्टिस्ट का रोल करना चाहता है या जूनियर आर्टिस्ट या फिर क्राउड का, तो आप मेरे को इंस्टा आईडी पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं और मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं जरूर आपको बुलाऊंगा। बैकग्राउंड एक्शन चलिए चलो चलो एक्शन। तो आप सभी ने देखा दोस्तों किस तरीके से बैकग्राउंड सीन लिया जाता है, यानी कि क्राउड का सीन लिया जाता है। तो दोस्तों अब बारी थी शिवम के सीन की, एक बढ़िया सीन था, बहुत ही अच्छा सीन था और तगड़ा सीन था, जो कि आप मूवी में जरूर देखेंगे। ए, हम उससे नहीं कहेंगे यार, तुमसे कहेंगे वो। ओए तो तसल्ली कर ले ओए यार, नाटक मत करे यार। दोस्तों सूट में से थोड़ा सा टाइम मिला था तो हम लोग आए हैं हलवा पराठा खाने के लिए। मैक्सिमम लोगों ने हलवा पराठा जानता नहीं, कोई हलवा पराठा होता क्या। चलो मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये होता है हलवा पराठा, आप देख सकते हैं दोस्तों एक जगह हलवा रखा हुआ है, दूसरी जगह भटूरा टाइप रखा हुआ है, उसको कहते हैं पराठा। यार हलवा पराठा तुम यार देख 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 गलत बात है। देख देख ये बेंचो ये खाए यार, खाए यार बेंचो, ये आदि हो गई यार, क्या कहूँ। सबके ये नहीं बांटना भाई, खाए यार लाया मैं इतना सारा था, इतना सारा बा वीडियो शूट करी है उतने में इन्हें पूरा लिपाया खा गया। और दोस्तों ये भाई हमें वही सुखावा शूट पे मिले थे, काफी अच्छी याद है इनकी। और
और दोस्तों सबसे लास्ट टाइम आ जाती मेरी सीन के बारे, जैसा कि आप दोस्तों वीडियो में देख पा रहे हैं, कुछ फ्रंट रोल भी था, थोड़ा डायलॉग भी था जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो दोस्तों आप जब देख पाएंगे जब मूवी आएगी कि मेरा क्या सीन था। तो दोस्तों अब हो चुका था पैकअप, तो आ चुकी थी हम लोग की डिनर की बारी, काफ़ी नाइट भी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके थे, तो हमने सोचा चलो खाना खा ही लेते हैं, उसके बाद हम वापस चलेंगे घर। और दोस्तों ये था अपना डिनर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मीठा भी है, अंडा भी है और पनीर भी है। साहिल भाई कैसा लगा काम करके? बढ़िया, काम करके अच्छा लगा, खाना भी बहुत बढ़िया था। दोस्तों अगर आप मूवी लाइन में आना चाहते हो मेरी शायरी का मैसेज कर सकते हैं, मैं इन फ्यूचर अच्छी मूवी के लिए कास्टिंग करना चाहता हूँ। अपनी मूवी जो आने वाली उत्तर प्रदेश के अंदर, एक हम इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं ब्रजवुड इंडस्ट्री, उसके लिए मैं कास्टिंग करने वाला, जल्दी एक ऑडिशन भी होगा, तो मैं आपको इन्वाइट करूँगा, आप सभी को आना है। और हम लोग खाना खा रहे दोस्तों, बाय बाय टाटा, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। फाइनली हमारा पैकअप हो चुका है, ये सारी टीम जा रही है।